अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जी, आज मैं बनाने लगी थी शलगम गोश्त का सालन, जो कि मैं कट कर रही थी दराती से, जो कि बहुत ही अच्छे से इसे काटा जाता है और बहुत ही जल्दी से कट हो जाता है। और वरना तो अगर हम चॉपिंग बोर्ड से भी करते हैं तो भी काफ़ी वक्त लग जाता है, बट इसमें बहुत जल्दी से कटिंग हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर साग वगैरह सब चीज़ें इसी से कट करती हूँ, मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं कट करने लगी थी शलगम पालक, जो कि मैंने बराबर क्वांटिटी में ले रखे हैं, और मैं कट करने लगी थी इनको। और उसके बाद बनाना था मुझे सालन, शलगम पालक और गोश्त। तो मुझे ये रेसिपी बनानी थी, और इसको वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी अभी जैसे बारिश वगैरह हो रखी है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा लगी हुई थी, और ये थोड़े से इसमें शलगम निकले थे जो कि ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। तो उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, फाइन चॉप कर लिया था, ये देखें। और उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके मैंने रख दी है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। कितनी बार इसको मैंने 3 से 4 बार वॉश किया था, और इस तरह से जो बाकी बचता था उसको मैंने छन्नी से निकाला था। ये देखें, इतनी मिट्टी इसमें निकल के आई है नीचे से, तो इसलिए मुझे इसे अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें बिल्कुल भी किरकिराहट ना रहे। तो इसलिए अच्छी तरह से मैं इसको धो लूँगी। 3 से 4 बार मैंने इसे वॉश किया है, 4 बार मैंने इसे वॉश किया था, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो अच्छे से बाहर निकल जाए इसकी, और हमारा जो ये साग है ये एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और ये मैंने 1 kg शलगम पालक लिया था, ये देखें। तीन से चार बार अगर हम वॉश कर लेते हैं किसी भी साग को, तो वो उसमें से सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है, अच्छे से वॉश हो जाता है। तो साग मेरा धुल चुका है और इसको मैंने स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ सालन इसका। तो मैंने कुकर को भी ले लिया है, कुकर को अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैंने इस रेसिपी के लिए लिया है मटन, और उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने वॉश किया है उसको अच्छे से, और कुछ ये देखें, अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी बिल्कुल एकदम। और उसके बाद मैंने सारे मसाले भी रेडी करके रखे थे जो कि इसमें डालने थे, वो सभी मसाले मैंने रेडी करके रखे हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट, और प्याज और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने इसमें डाला है, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़े से खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे, और डाला था ऑयल, और थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर डाला था। उसके बाद में मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए, और फिर मैं पढ़ने लगी थी नमाज। तो इतने ही मैंने नमाज पढ़ी थी, इतनी ही देर में सालन भी हो गया था। तो कुकर मैंने खोल के देख लिया है, तो अभी गोश्त अभी थोड़ा सा कच्चा था, मतलब पूरी तरह से टेंडर नहीं हुआ था, पूरी तरह से गला नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी 4 से 5 सीटियां मैंने ली हैं इस गोश्त को भूनने के लिए, और जो अभी रह गया है तो 3-4 सीटियां मैं और ले लूँगी। जो बाकी का ये मेरा साग था, हरी सब्ज़ी थी, ये इसमें मैंने डाल ली है, इसी में भी मैं 3-4 सीटियां ले लूँगी, तो वो अच्छे से गल जाएगा। और इसको मैंने अभी रख दिया है ऐसे ही, जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में मैंने इसको मिक्स कर दिया था साग को। और उसके बाद में ये प्रेशर दे के मैं निकालने लगी थी, एक बार चेक करना था मुझे कि गोश्त अच्छे से गला है या नहीं, मटन अच्छे से गला है या नहीं। तो ये देखें, मैंने कुकर को खोल लिया है, और अभी मैं चेक करने लगी हूँ। तो मैंने इसको चेक किया था 3 सीटी के बाद में, तो अभी भी अच्छे से नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला था। और उसके बाद में मैंने दोबारा से इसे रख दिया था गैस पर फुल फ्लेम करके, और उसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने टेस्ट किया था, तो सॉल्ट भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी यहाँ पर ऐड किया था।
और इसको मैंने फिर से रख दिया था सीटी लगाने के लिए, जो कि मुझे अभी 2 से 3 सीटियाँ और लेनी थी इसमें, क्योंकि मटन अभी थोड़ा सा कच्चा था, उसमें कच्चापन था अभी थोड़ा सा। इतनी देर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को लगने लगी थी भूख, तो मैं उनके लिए लेकर जा रही थी। मैंने काली वाली मसूर की दाल बनाई हुई थी और एक मैंने मिक्स वाली दाल बनाई हुई थी, तो मैं उनको खाना देकर आ रही थी। फिलहाल जितनी देर में ये बनता है इतनी देर में उन्हें थोड़ा सा मैंने दे दिया था खाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल चेक करने लगी हूँ, लास्ट मैंने सीटी दे दी थी, 3 सीटियाँ मैंने फिर से दी थी और अच्छे से गोश्त गल गया था। ये देखें, अच्छे से गल चुका था। उसके बाद में मैंने इसको फिर से रख दिया था और मुझे यहाँ पर इसमें डालनी थी थोड़ी सी चटनी, और गैस के फ्लेम को मैंने कर दिया था लो। और मैंने निकाली थी हरी मिर्चें और लहसुन, और मिक्सी का जार मैंने एक लिया था, और थोड़ी सी मुझे बनानी थी हरी चटनी, जो कि मैं शलगम पालक गोश्त में डालती हूँ ज़रूर। ये देखें, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैंने सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट रखा है। हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला था और इस तरह से दरदरी मैंने चटनी को पीस लिया था, ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा था चटनी को, और इस तरह से मैंने थोड़ी सी चटनी लेकर उसमें ऐड कर दी है शलजम पालक में। ये देखें, और शलगम पालक गोश्त मेरा बनकर रेडी है, और ये देखें एकदम टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। ये देखें, अच्छी तरह से कुक हो गया था, बिल्कुल गल गया था, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करें इसे। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, बाकी बहुत सारे लोग सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके भी रख देते हैं, इस तरह से भी बनाते हैं, बट मैं थोड़ा सा पहले गोश्त को गला लेती हूँ, थोड़ी सी सीटियाँ मैं उसमें लगा लेती हूँ ताकि कच्चापन ना रहे गोश्त में। मटन, बीफ, आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का गोश्त का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले सीटियाँ लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें, एकदम टेस्टी शलगम पालक गोश्त बनकर रेडी थे गर्मा गर्म। और उसके बाद में हमने डिनर इंजॉय किया था बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर ये रेडी हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करें। उसके बाद में रात में मेरे हस्बैंड का मन हुआ था शामी कबाब खाने का, तो मैंने बनाए थे शामी कबाब, जो कि बॉईल मेरे पास कीमा रखा हुआ था, कच्चे कीमे के बनाती हूँ मैं मोस्टली, बट अब की बार मैंने बॉईल वाला कीमा लिया था, थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था बॉईल वाला कीमा, तो उसको मैंने इसमें एक एग यूज़ किया है ताकि ये जो शामी कबाब हैं ये फटे ना, तो इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था इसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है इस तरह से उबले हुए कीमे का, बॉईल कीमे का शामी कबाब। मैं ज़्यादातर कच्चे कीमे का ही बनाती हूँ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह से भी बनाया करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे ये, तो मैंने अपने हस्बैंड को बना कर दिए थे ये शामी कबाब, जो कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये बन चुके हैं, सिक चुके हैं दोनों साइड से, अच्छे से मैंने इनको सेका है और क्रिस्पी हो गए हैं ये देखें। और दही मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ग्रीन चटनी जो मैंने शलगम पालक गोश्त के लिए बनाई थी वो ही थोड़ी सी इसके लिए यूज़ की है यहाँ पर, और थोड़ी सी मैंने केचप लिया था उसके साथ, ये हमने खाए थे शामी कबाब, और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे। बॉईल वाले कीमे के भी आप बना सकते हैं इस तरह से, और एकदम परफेक्ट शेप में ये आए थे, और अंदर से कच्चे होने का भी कोई इसमें डाउट नहीं था, क्योंकि बॉयल था ये कीमा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आ रहा था। ये देखें, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और जैसा कीमा मेरे पास रखा हुआ था और मैंने ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें नहीं ऐड की थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। थोड़े से स्पाइसेस मैंने इसमें यूज़ किए थे, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा केचप,
और थोड़ी सी ली है। उसके बाद में मैंने ग्रीन चटनी जो कि मैंने बनाई थी, ये देखें। और उसके बाद में हमने इंजॉय किए थे ये शामी कबाब जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके साथ आप दही वाली ग्रीन चटनी भी डाल के खा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। दही के साथ ग्रीन चटनी को मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और उसके बाद में ये नाइट का है एक छोटा सा क्लिप जो कि मेरा बेटा ड्राइंग कर रहा था, वो कोई करेक्टर ड्रॉ कर रहा था। और ये देखें, और काफ़ी अच्छी उसने ड्राइंग बनाई थी, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी वीडियो इसकी ले ली थी। काफ़ी अच्छी इसने ड्राइंग की थी और सीधा ही ये मार्कर से बना रहा था और कोई पेंसिल से इसने ड्रॉ नहीं किया था और सीधा ही ये पेपर पे मार्कर से ड्राइंग बना रहा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। When did you do that?